हेलो फ्रेंड्स, मैं शुभांगी। आज मैं बनाने वाली हूँ कुरकुरे भिंडी की रेसिपी। बहुत ही आसान तरीके से इसे स्टार्टर, स्नैक्स या खाने के साथ सर्व कर सकते हैं। यह खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है और बनकर भी बहुत ही जल्दी तैयार हो जाती है। तो चलिए फ्रेंड्स, इसे बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने आधा किलो भिंडी को अच्छी तरह से धुलकर सुखा कर ले लिया है। अब मैं भिंडी को काट कर दिखाती हूँ। सबसे पहले हम इसकी हेड और टेल को काट लेंगे और वीडियो में दिखाए अनुसार एक भिंडी के चार स्लाइस कर लेंगे। यदि भिंडी ज़्यादा लंबी है तो उसे बीच से काट लेंगे और आठ स्लाइस में काट लेंगे। इस तरह से मैंने सारी भिंडी को काट लिया है। अब हम कटी हुई भिंडी को वीडियो में दिखाए अनुसार आधा से एक मिनट तक हिला लेंगे। ऐसा करने से भिंडी के ज़्यादा से ज़्यादा बीज निकल जाएंगे। अब इसे दूसरे बर्तन में निकाल लेंगे। आप देख सकते हैं कि भिंडी के बहुत सारे बीज निकल गए हैं। अब मैंने वापस से उसी बर्तन में भिंडी को शिफ्ट कर लिया है। भिंडी कटकर बीज निकलकर तैयार हो गई है। अब मैंने मसालों में ले लिया है हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाला पाउडर, अमचूर पाउडर, नमक और हींग, और ले लिया है एक नींबू का रस, बेसन, कॉर्नफ्लावर। अब भिंडी में सारे मसालों को मिला देंगे। हाफ टेबल स्पून हल्दी पाउडर, हाफ टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर, हाफ टेबल स्पून धनिया पाउडर, 1 टेबल स्पून गरम मसाला, 1 टेबल स्पून अमचूर पाउडर और हींग मिला देंगे। और सब चीज़ों को मिलाने के बाद इसे अच्छे से भिंडी में मिक्स कर देंगे। मसाले मिक्स होने के बाद 1 टेबल स्पून नमक, 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर मिलाएंगे, 2 टेबल स्पून बेसन मिला देंगे और मिलाने के बाद हल्के हाथों से इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और मिक्स होने के बाद 5 मिनट के लिए रख देंगे, जिससे भिंडी में जो भी मॉइस्चर होगा वह नमक मिलाने की वजह से आ जाएगा। 5 मिनट हो गए हैं। अब हम इसमें 1 टेबल स्पून बेसन, 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर और मिलाएंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद हम ज़रूरत के अनुसार इसमें 1 टेबल स्पून और कॉर्नफ्लावर मिलाएंगे। यदि बेसन की अपेक्षा कॉर्नफ्लावर की मात्रा ज़्यादा रखेंगे तो भिंडी ज़्यादा क्रिस्पी बनकर तैयार होती है। ज़रूरत पड़ने पर हम इसमें थोड़ा सा पानी भी ऐड कर सकते हैं। अब मसाले में भिंडी अच्छे से मिक्स हो गई है। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की ओर। इसके लिए एक कढ़ाई में हाई फ्लेम पर तेल गरम कर लेंगे और तेल के गरम होते ही एक बार में जितनी भिंडी आ जाएगी उतनी भिंडी को फ्राई कर लेंगे। ध्यान रखें कि जब भी हम भिंडी को फ्राई होने के लिए डालें तब तेल को अच्छी तरह से गर्म हो जाना चाहिए। अब भिंडी को हम आधा मिनट के बाद ही पलटेंगे, जिससे वह नीचे की तरफ से थोड़ा फ्राई हो जाएगी। अब हम भिंडी को इसी तरह से हाई फ्लेम पर पलट पलट कर सुनहरा होने तक फ्राई कर लेंगे। पलट पलट कर फ्राई करने से भिंडी सब तरफ से एक सी फ्राई हो जाती है। अब भिंडी फ्राई हो गई है, इसे इससे ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे। अब इसे हम एक बर्तन में निकाल लेंगे और सेम प्रोसेस से दूसरे बैच की भिंडी को भी फ्राई कर लेंगे। ध्यान रखें, यदि हमें क्रिस्पी भिंडी फ्राई करना है उसके लिए गैस की फ्लेम को हाई रखें और कॉर्नफ्लावर की मात्रा को बेसन की मात्रा से ज़्यादा रखें, तभी क्रिस्पी भिंडी बनकर तैयार होती है। अब हम इसे भी बीच बीच में पलटते हुए सुनहरा होने तक फ्राई कर लेंगे। अब दूसरे बैच की भी भिंडी फ्राई हो गई है, तब हम इसे भी एक बर्तन में निकाल लेंगे। बहुत ही क्रिस्पी भिंडी बनकर तैयार हुई है। एक बार आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मैंने सेम प्रोसेस से सारी भिंडी को फ्राई कर लिया है। अब मैं एक बार आपको चेक करके बताती हूँ कि कितनी क्रिस्पी भिंडी बनकर तैयार हुई है। एक बार आप भी ज़रूर ट्राई कीजिए। अब हम इसके ऊपर छिड़कने के लिए एक मसाला बनाकर तैयार कर लेंगे। 1/4 टेबल स्पून नमक, 1/4 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/4 टेबल स्पून अमचूर पाउडर, 1/4 टेबल स्पून भुने हुए जीरे का पाउडर, इन्हें मिलाएंगे और अच्छे से मिक्स करने के बाद फ्राई किए हुए भिंडी के ऊपर छिड़क देंगे। इस तरह से
मिक्स किए हुए मसाले को छिड़कने से क्रिस्पी भिंडी का स्वाद और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। आप इसकी जगह पर चाट मसाले को भी छिड़क सकते हैं। नमक को एक बार टेस्ट करने के बाद ही मिलाएं, क्योंकि हमने पहले भी नमक को मिलाया है। अब हमने सारा मसाला अच्छे से छिड़क दिया है। आपको हमारी क्रिस्पी भिंडी की रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।